अपने YouTube चैनल पर क्लिक करें, सर्च करें प्रगति मीडिया। प्रगति मीडिया को सर्च करने के बाद में उसके बेल आइकन पर क्लिक करें और प्रगति मीडिया को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करें व आप प्लेलिस्ट में जाके प्रगति मीडिया के सभी वीडियो देख सकते हैं व अपने राज्य से संबंधित भी आप सभी वीडियो देख सकते हैं व अपने पसंदीदा वीडियो भी आप यहां देख सकते हैं। धन्यवाद। अरे यहाँ श्रीधाम वृंदावन के अंदर में ये कुछ महानुभाव आए हैं जो पैदल यात्रा कर रहे हैं। मैं जरा इनसे पूछूंगा कि ये आप लोग कहां से आए हैं और क्या उद्देश्य लेके कहां तक आपकी यात्रा हो रही है। आप भैया जी बताएंगे जरा आपका क्या शुभ नाम क्या पड़ेगा? ओम प्रकाश नरवारे। ओम प्रकाश जी नरवारे, कहाँ से आए हैं? हम ग्वालियर से आए हैं। ग्वालियर से, मध्य प्रदेश। मैं एमपी ग्वालियर से आए हैं। अच्छा, पैदल यात्रा कर रहे हैं? पैदल यात्रा। जा कहाँ रहे हैं आप? हम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं आप जी। अच्छा, क्या उद्देश्य है आपका दिल्ली जाने का, क्या किस कारण से? उद्देश्य ये है कि धारा 370-35A हटाए जाने पर लगभग 2.5 लाख वाल्मीकि समाज के परिवार बंधुओं को 62 साल बाद आज़ादी मिली है। 6 अगस्त को 1957 में सफाई कर्मचारियों को पंजाब के अन्य जिलों से जम्मू कश्मीर ले जाया गया था। वहाँ के तत्कालीन शासकों ने उनसे वादा किया था कि हम तुम्हें नागरिकता सारी सुविधाएं देंगे। उनसे सफाई कराई 62 साल, ना तो उनको पढ़ने का अधिकार था, ना सफाई कार्य के अलावा दूसरे काम का अधिकार था, ना पंच सरपंच चुनने का अधिकार था। अब खुद सरपंच पंच बनने की तो बहुत बड़ी बात है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। 62 साल उनने यातनाएं झेली आतंकवादियों की और वहाँ के शासकों की। अब जाकर मोदी सरकार ने, मोदी जी ने हिम्मत दिखाई और 2.5 लाख वाल्मीकि समाज को आज़ाद किया। बाकी अन्य तो सब आज़ाद हुए, लेकिन वाल्मीकि समाज को तो बहुत ही यातना झेल रहे थे। जो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उसी उद्देश्य से पैदल यात्रा करके मोदी जी को धन्यवाद देने जा रहे हैं। इनका कहना है कि पहले जम्मू कश्मीर के अंदर में सफाई कर्मचारी नहीं थे, जो कि वहाँ के शासकों के द्वारा पंजाब से अन्य अन्य जगहों से सफाई कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर में ले जाया गया। उनको आश्वासन दिया गया कि आपको हम सफाई कर्मचारी और आपके यदि बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे तो हम उनको अच्छी नौकरी भी देंगे, अच्छे पोस्ट पर बैठाएंगे। परंतु 62 साल के अंदर में कोई भी इस तरीके का वहाँ पर देखने को नहीं मिला, जो कि सफाई कर्मचारी सिर्फ सफाई कर्मचारी तक ही सीमित रहा और ना उनको वोट देने तक का भी अधिकार उन्होंने वहाँ की सरकार ने नहीं दिया। जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर 370-35A को हटा करके ये बहुत ही अच्छा कार्य किया, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन देने के उद्देश्य से ग्वालियर से ये लोग पद यात्रा करते हुए और दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।